तो चलो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश। आलू गोश के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बीफ 400 ग्राम और एक बड़े साइज का आलू, तीन बड़े साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज इस तरह से, और तीन टमाटर मीडियम साइज के, इसे मिक्सी में पीस लिया है, और ये कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में, यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया है और इसमें डाल दिए है बड़े 5 चम्मच तेल, और गरम करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज गोल्डन, हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हमारा मटन, और मटन भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे कलर चेंज होने तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मटन का कलर हो गया है चेंज, और मटन भी अच्छे से हमने प्याज के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये 2 चम्मच से मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। ये अदरक यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट भी अच्छे से मटन के साथ भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मैंने लिया है रेगुलर हमारी लाल मिर्च पाउडर जो ज़्यादा तीखी नहीं है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे, और मसाले भी अच्छे से भून लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मसाले अच्छे से भून गए हैं और तेल भी हमारा ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, अच्छे से भून लेंगे तेल छूटने तक। और इसे कुकर के ढक्कन को हमें सिर्फ ऐसे हल्का रख देना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे टमाटर भी मटन के साथ अच्छे से भून गए हैं, और आप देख सकते हैं तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। आप टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टमाटे ऐड किए थे इसलिए मैंने दही ऐड नहीं किया है, नहीं तो बहुत खट्टा हो जाता है। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी,
तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 5 सीटियां हो गई है और कुकर हो गया है ठंडा। यहाँ पे देख लेते हैं गोश्त गला या नहीं। गोश्त थोड़ा गल गया है, 20% बाकी है, तो ये हम इसमें डालेंगे आलू के साथ, गोश्त गल जाएगा पूरा। यहाँ पर आलू डाल देंगे, यहाँ पे आलू डाल दिए हैं। अब आलू के साथ हम एक सीटी वापस ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आलू गले या नहीं। ये देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं। और अब देखते हैं मटर, मटन भी अच्छे से गल गया है ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए। ये आलू मटन की ग्रेवी इतनी थिक नहीं होती है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी वापस से, आधा कप। तो यहां पर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारी पक रही है, इसे हम 1 सेकंड के लिए वापस और पका लेंगे। और मेरे तरीके से बनाकर देखिए और शेयर कमेंट अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।